नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं माघ मास महात्म्य के 90 दिन की कथा लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने माघ मास महात्म्य के प्रथम 8 दिन की कथा के वीडियोस मेरे चैनल पर बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। 90 दिन की कथा के रूप में हम 90 अध्याय के पाठ का श्रवण करेंगे। मैं आपको 90 अध्याय का पाठ बताऊँ उसके पहले मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की एक स्तुति बता रही हूँ, जिसको करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और आपके सभी दुखों को दूर कर देते हैं। आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो प्रेम के भूखे हैं, भावना के भूखे हैं। आप भगवान श्री कृष्ण से जितना प्रेम करेंगे वे उतना ही ज़्यादा आपका ख्याल करेंगे। जब आप प्रेम से भगवान श्री कृष्ण को पुकारते हैं तो भगवान श्री कृष्ण दौड़े चले आएंगे और आपकी सारी परेशानियों को खत्म कर देंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब चीरहरण के समय द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा था, तब भगवान श्री कृष्ण दौड़े चले आए थे और द्रौपदी का चीर बढ़ाकर द्रौपदी की भरी सभा में उन्होंने लाज बचाई थी। इस छोटी सी मंत्र स्तुति से, भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप माघ मास में पूरे भाव के साथ इस मंत्र की स्तुति करके या इसका जप करते हैं तो निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण आप पर प्रसन्न होकर हर क्षेत्र में विजयी होने का आपको आशीर्वाद देंगे। तो आइए जाने वो श्री कृष्ण स्तुति कौन सी है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मुक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिवेशितोथो विजयते गोपाल चूड़ामणि। अब इसके बाद हम देखेंगे माघ मास महात्म्य की 90 दिन की कथा। 90 दिन की कथा में हम देखेंगे यमदूत का विकुंडल को धर्म और अधर्म के बारे में जानकारी देने के बारे में वृत्तांत। इसके पहले 8वें अध्याय में हमने देखा था कि विकुंडल के पूछने पे यमदूत ने नरक से बचने के उपाय बताए थे। यमदूत ने बताया कि जो मन, कर्म और वाणी से कभी दूसरों को दुख नहीं देते हैं वे नरक में नहीं जाते हैं। जो मनुष्य अपने भोजन हेतु जल या थल के जीवों को मारते हैं वे नरक की दुर्गति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य जलाशय बनवाते हैं वे यमलोक में नहीं जाते हैं। गाय को चारा देने वाले, गाय की सेवा करने वाले स्वर्ग में जाते हैं। पेड़ लगाने वाला व्यक्ति भी स्वर्ग में जाता है। जहाँ तुलसी जी का वन होता है वह घर तीर्थ के समान माना जाता है। तुलसी जी की सेवा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नित्य शिव जी की पूजा करने वाला भी कभी यमराज के दर्शन नहीं करता है। शिव जी के भक्त मरने के पश्चात शिवलोक में आनंद करते हैं। जो मंदिर बनवाते हैं, बगीचा लगवाते हैं और देवलोक में वास करते हैं वे सदैव माता पिता, देवता और अतिथियों की सेवा करते हैं। वे प्रजापति के उत्तम लोक में जाते हैं। अब आगे का वृत्तांत हम 9वें अध्याय में देखेंगे। 9वें अध्याय में यमदूत बोले, हे वैश्य, मध्यान्ह काल में आया हुआ अतिथि चाहे वह मूर्ख हो, पंडित हो, वेदपाठी ब्राह्मण हो, पापी हो, कोई भी क्यों नहीं हो, वो ब्रह्मा के समान होता है। रास्ते से थका हुआ ब्राह्मण अथवा भूखे प्यासे अपरिचित बटोही, बटोही का मतलब होता है राहगीर, का जो भी अन्न जल के दान से तृप्त करता है इन लोगों को, वह गृहस्थ बहुत समय तक ब्रह्मलोक में निवास करता है। मध्यान्ह या सायंकाल के समय जिनके घर पर आए हुए अतिथि को निराश नहीं लौटना होता है वे यमलोक में नहीं जाते हैं। पर जिस घर में नहीं नहीं शब्द सुनने के साथ अतिथि को लौटा दिया जाता है वहाँ के गृहस्थ के जन्म भर के इकट्ठे किए हुए पुण्यों को वह अतिथि अपने साथ ले जाता है और अतिथि के सत्कार के बराबर तो कोई दूसरी संपत्ति, बंधु, धन, धर्म आदि हितकारी नहीं है। अतः हे वैश्य, अतिथि सत्कार के प्रभाव से जो राजा तथा मुनि ब्रह्मलोक को गए हैं उनका आज तक पतन नहीं हुआ है। हे वैश्य, अन्नदान करने वाला देदीप्यमान विमान का उपभोग करके अमृत पान करता है और स्वर्ग के सुख को भोग कर पृथ्वी पर उत्तम कुल में जन्म लेता है और धर्मात्मा राजा होकर चिरायु तथा नष्ट न होने वाले वंश को प्राप्त करता है। क्योंकि अन्न में ही सबके प्राण रहने से अन्नदान करने वाले को प्राणदाता माना गया है। हे वैश्यवर, जब केशरी ध्वज राजा स्वर्ग से निपतित हुआ तब वह वैवस्वत
देव ने दयापूर्वक उससे कहा कि हे राजन, कर्म भूमि मृत्युलोक में जाकर यदि तुम फिर से स्वर्ग में आने के इच्छुक हो तो अन्नदान अवश्य करना। हे वैश्य, यह बात मैंने स्पष्ट धर्मराज्य के मुख से सुनी है। ग्रीष्म ऋतु में जल, हेमंत ऋतु में ईंधन देने वाले तथा सदैव अन्नदान करने वाले यमराज के दुखों को नहीं पाते हैं, उनको यमराज जी कोई दुख नहीं दे पाते। जो मनुष्य 6 महीने के अंदर ज्ञान व अज्ञान से छोटे बड़े वाणी मन तथा शरीर से किए हुए पापों का प्रायश्चित नहीं करता है तो वह नरक को भोगता है, और जो प्रायश्चित करता है तो वह देवता और गंधर्वों से शोभित लोक को पाता है। हे वैश्य, जो मनुष्य वेद माता गायत्री या दूसरे वैदिक मंत्रों को जपते हैं और नित्य सुबह शाम अग्नि में हवन करते हैं, ऐसे विप्र अक्षय गति को प्राप्त होते हैं। जो नित्य व्रत का आचरण करने वाले, तीर्थों का सेवन करने वाले और जितेंद्रिय हैं, वे यमराज को नहीं देखते हैं। नरक से बचने वालों को पराए अन्न की अभिरुचि छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जो जिसका अन्न खाता है वह उसका पाप खाता है। हे वैश्य, जो मनुष्य नित्य प्रति प्रातःकाल स्नान करता है उसके बाहरी तथा भीतरी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह नरक में नहीं जाता है। जो लोग स्नान किए बिना भोजन करते हैं वे सदैव मल खाने वाले होते हैं। जो नित्य स्नान नहीं करते हैं उनके पितर तथा देवता उनसे विमुख हो जाते हैं और वे नरक भोग कर नीच जाति तथा चांडाल आदि योनि में जन्म लेते हैं। जो लोग माघ मास के पर्व के दिन जल में स्नान करते हैं वे न तो बुरी गति पाते हैं और न ही बुरी योनि में जन्मते हैं। उनके बुरे स्वप्न और दुष्ट चिंताएं भी सदैव के लिए निष्फल हो जाती, खत्म हो जाती है। हे वैश्य श्रेष्ठ, प्रातः स्नान से शुद्ध होकर मनुष्य माघ महीने में तिल, तिलपात्र और तिल कमल का दान देने से भी यमलोक में नहीं जाता है। हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गो आदि 16 महादान माने गए हैं। इनका दान करने वाला मनुष्य भी स्वर्गलोक से नहीं लौटता है। बुद्धिमान लोग पुण्य तिथियों में व्यतिपात तथा संक्रांति के दिन स्नान करके यदि कुछ भी दान करते हैं तो वे बुरी योनि में नहीं पड़ते हैं और संसार में गरीब कुल में पैदा नहीं होते हैं। हे वैश्यवर, सत्यवादी, मौनी, मधुरभाषी, अक्रोधी, क्षमाशील, नीतिमान, अनिंदक प्राणियों पर दया करने वाला, दूसरों के पापों को छुपाने वाला, पराए गुणों का वर्णन करने वाला, दूसरों के धन को न चाहने वाला, इस तरह के लोग भी नरक को नहीं भोगते हैं। दूसरों की बुराई करने वाला, पापी तथा उनका साथ देने वाला, खोटे व कठोर वचन बोलने वाला, परोपकारनी मानने वाला आदि ऐसे लोगों को तीर्थ सेवन और तप से भी उनके पाप मुक्त नहीं होते। ये लोग बहुत समय तक नरक को भोगते हैं। जितेंद्रिय और जीताहारी पृथ्वी के सब तीर्थों में स्नान करने से यमलोक में नहीं जाते हैं। तीर्थ में न पाप करे, न किसी की जीविका करे, तीर्थ में दान दे लेना और धर्म की बिक्री करना भी छोड़ दे, क्योंकि तीर्थ में किए गए पाप बड़ी कठिनता से दूर होते हैं। ऐसे पाप करने वाले मनुष्य को नरक का वो गामी होता, उसको नरक का भोग करना पड़ता है। इति श्री माघ मास 9वां अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्यौहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।